आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। आगे बोलो। म्यूजिक वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसा लगा आज का प्रीव्यू हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। गाइज अगर आप भी अपने फोटोज को लगाकर कुछ इसी तरह का शानदार भोजपुरी स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। गाइज आपने भी प्रीव्यू में देखा होगा, इसमें फोटोज और उसके साथ एक वीडियो क्लिप भी ऐड होगा, तो उस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारे फोटोज़ भी HD क्वालिटी में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, मैं वहां पर सारे फोटोज़ को HD क्वालिटी में अपलोड कर दूंगा। गाइज आपको ऐसा स्टेटस बनाने के एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। लाइट मोशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दूंगा, आप वहां से इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम को इंस्टॉल कर देना है, देन मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट और एक सेक इफेक्ट की फाइल मिल जाएगी, आपको उसे भी इंपोर्ट कर देना है। देन इंपोर्ट करने के बाद चलिए मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर ऐसे एडिटिंग होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा लाइट मोशन में बीट मार्क प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक वीडियो क्लिप भी मिल जाएगा। इस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहां पे आपको फर्स्ट बीट पे आ जाना है, देन आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया और जिसमें फाइल में फोटो हो सके उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। चलिए गाइज मैं यहाँ पर फिर सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पर आपको आने के बाद अपना फोटो जो भी आपका फोटो होगा उस फोटो को यहाँ पर वन बाई वन ऐड करना है। चलिए मैं गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फोटो को मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर थ्री डॉट ऑप्शन करके इसे मैं फिर कंपोजिशन एरिया कर देता हूँ, और जिसमें इसे क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पर आकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से इरेज कर देना है। गाइज ऐसे ही आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे फोटोज़ को ऐड करना है। गाइज चलिए मैं मतलब फोटोज़ को ऐड कर देता हूँ, तब तक लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ। गाइज देख सकते हैं आप सब, मैंने यहाँ पे फोटोज को ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो क्लिप नीचे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लिप देखने को मिल जाएगा कि इस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और जो वीडियो क्लिप मैं दे दूँगा उस वीडियो क्लिप को आपको यहाँ से इसे ऐड कर देना है। यहाँ से आप ऐड कर देंगे इस वीडियो क्लिप को, तो आपको वीडियो क्लिप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको ये नीचे जो ग्रुप देखने को मिलेगा इस ग्रुप को आपको इस तरह है, देन इसको ऊपर सबसे लेके जाना है और इस वीडियो के ऊपर आपको कर देना है। तो इस वीडियो के ऊपर देखिए मैं यहाँ से इस फोटो सारी इस वीडियो के ऊपर कर दिया, तो ये देख सकते हैं अच्छा से सेट हो चुका है। और अगर आप इस ग्रुप के अंदर जो हार्ट वाला सेट है उसमें से फोटो चेंज करना चाहते हैं तो इन ग्रुप इस ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको ये नीचे वाला सेट है इस पे क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में चले जाना है, और आप यहाँ से इस पे स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी फोटोज़ को वहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करके वहाँ से आप एडजस्ट कर दीजिएगा आपके अनुसार, वहाँ पर जो इस जैसे होगा वैसे एडजस्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है कि यहाँ से हो जाना है बैक, और बैक होने के बाद अपना सेक इफेक्ट की फाइल को ओपन कीजिएगा, तो आपको जो जहाँ पे ये फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, एक सेकेंड, ये जो आपको देखिए यहाँ पे आपको फाइव इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ये तो ये आपको फर्स्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्या करना है कि टैप करना है, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से हो जाना है बैक, और अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और हमारा देखिए जहाँ फर्स्ट इफेक्ट इस फोटो पर क्लिक करना है, देन इफेक्ट ऑप्शन में चले जाना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। तो गाइस इसी तरह से हमें सारे फोटोज़ मतलब जहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट है फर्स्ट इफेक्ट वाले फोटोज़ पे पहला इफेक्ट ऐड कर देना है, जितनी भी फोटोज़ पे मतलब फर्स्ट इफेक्ट है तो आपको इसी तरह से ऐड करते जाना है। देन आपको इसी तरह से सेकंड इफेक्ट को भी मतलब जहाँ सेकंड नंबर है तो आपको क्या करना है सेकंड नंबर के इफेक्ट को मतलब इसी तरह पेस्ट कर देना है, थर्ड वाले को भी इसी तरह पेस्ट कर देना है। जब आप सारे इफेक्ट को पेस्ट करेंगे तब यहाँ पे आपको क्लिक करके वीडियो को कर देना है एक्सप्लोर, तो आपका वीडियो 2 या 3 मिनट में एक्सप्लोर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग एडिटिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।